नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि पीएमएलए नेता मरियम नवाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर बड़ा हमला बोल दिया है। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान के दिन गिन रहे हैं। जी हाँ, उनके दिन उल्टे गिनने शुरू हो गए हैं और उनकी फर्जी सरकार जल्द गिनने वाली है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मरियम ने यह अपना बयान दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द गिरेगी इमरान की सरकार। 15 नवंबर को इमरान को बड़ा झटका लगने वाला है। ये मरियम ने कहा है फर्जी शासकों के दिन खत्म हो चुके हैं। ये बड़ी खबर। गिलगित बल्टिस्तान चुनाव से पहले भी वोटों की हेराफेरी, इस बात का भी जिक्र किया गया है। चुनावों से पहले वोटों में हेराफेरी हो रही थी और लोगों को अपने वोटों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें चोरी होने से रोकना चाहिए। यानी सीधे तौर पर इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सत्ता डोल रही है, सिंहासन डोल रहा है। मरियम नवाज ये साफ कहती हुई नजर आ रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत जी हिंदुस्तान पर आपका। पिछले दिनों आपने देखा होगा 11 विपक्षी दलों ने जिस तरीके से हुंकार भरी और एक बार फिर से मरियम शरीफ साफ तौर पर ये कह रही है कि देखिए 15 नवंबर को बड़ा झटका, क्या माना जाए, क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है? देखिए, ये एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। फाइनली डेमोक्रेसी का जो हो रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान फर्जी प्राइम मिनिस्टर बन के आया, फर्जी काम नहीं चला सकते। और अभी आर्मी जो उसको सपोर्ट कर रही थी उसने रियलाइज कर लिया है कि इमरान खान की यूटिलिटी खत्म हो गई है, जिसको कहते हैं ना कि अब वो पेपर उसका कंप्लीटली आपने निकाल दिया है, बस अब टिश्यू है, अब उसको इस्तेमाल खत्म हो गया है, अब उसको फेंक देंगे। और यही होगा एग्जैक्टली, जहां आर्मी अपना आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा और मीडिया को भी कि आर्मी का क्या स्टैंड है। आर्मी के स्टैंड के हिसाब से ही नवाज शरीफ भी अपना स्टैंड लेंगे। ये इतनी आसान बात नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ की सपोर्ट बहुत है, पंजाब में बहुत सपोर्ट है, आर्मी के लोअर रैंक्स में बहुत सपोर्ट है, पर अब देखना पड़ेगा किस तरीके से ये अभी इलेक्शन होते हैं। जो मरियम कह रही हैं उसमें काफी मायने हैं इसमें और काफी भारी बात कर रही हैं। सर बिल्कुल, सर मैं आपके पास लौट रही हूँ। आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ है। आरजू जी बहुत स्वागत जी हिंदुस्तान पर। सीधे तौर पर मरियम नवाज कह रही है 15 नवंबर को बड़ा झटका, उल्टी गिनती शुरू हो गई है इमरान खान की। जी, ये बात तो काफी दिनों से अपोजिशन कह रही है और उससे पहले भी जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने भी कहा था कि जी बस दिसंबर तक का टाइम है, लेकिन अपोजिशन तो इस तरह की बात करती ही रहती है। और मेरे ख्याल जब इमरान खान साहब खुद अपोजिशन में थे तब वो भी नवाज शरीफ साहब के लिए इसी तरह की बात करते थे और उन्होंने इसी तरह प्रोटेस्ट भी किया था और बैठे भी रहते वो। आजू जी, ये पहली दफा आपने देखा होगा कि मौलाना के साथ 11 विपक्षी दल पाकिस्तान में एक होकर और सीधे तौर पर सिर्फ सरकार पर ही नहीं, सरकार जिसकी गोद में बैठी है, जिनके कहने के इशारे पर पिट्ठू इमरान खान चलते हैं बाजवा, उन पर भी इस बार हमला बोला जा रहा है। बिल्कुल, इस दफा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि सारी अपोजिशन जो है वो साथ है और ये 11 बड़ी पार्टीज हैं जो एक साथ इमरान खान साहब के खिलाफ बात कर रही है। बट द मेन थिंग इज दैट इमरान खान साहब इस बात से कुछ जो उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले वो सब कुछ अभी नहीं कर पाए हैं और जरूर उनको थोड़ी सी वीकनेस आई है उनकी गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रांग चल रही है, ये चीज है और इसी चीज को इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन। तो क्या आपको लग रहा है कि 15 नवंबर को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, सत्ता बदलने जा रही है, सिंहासन डोल रहा है इमरान खान का इस वक्त? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 15 नवंबर को कोई इनकी सत्ता डोल रही है, लेकिन हाँ उनके ऊपर प्रेशर जरूर है, प्रेशर जरूर बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन इतनी जल्दी अपोजिशन ये नहीं कर पाएगी क्योंकि इमरान खान साहब भी ऑलमोस्ट 126 डेज बैठे रहे थे नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए, मगर कर नहीं पाए थे। तो अपोजिशन भी जो है वो इतनी जल्दी कुछ कर नहीं पाएगी, सिर्फ हाँ इनको थोड़ा सा डरा सकती है, थोड़ा सा उनकी वीकनेस शो कर सकती है उनकी गवर्नमेंट की, लेकिन हटा नहीं सकती इतनी जल्दी। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो जाने लगी है, ऐसा कुछ नहीं। जी, विपक्ष हटा नहीं सकता, दबाव बना सकता है, ये कह रहे हैं आरजू जी। देखिए, ऐसा है इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, अभी बोलना ना ठीक होगा। अगर आप बोल दिए किस बूते पे इमरान खान बैठेगा,
जब पूरा आवाम खिलाफ हो जाता है आपके और जिस जगह इलेक्शन खड़े हो रहे हैं वो जगह आपके खिलाफ है, तो आर्मी को भी पता चल गया है कि इमरान उनके लिए यूटिलिटी नहीं है और इसीलिए आर्मी अपना देख के उसी हिसाब से करेगी। मैं ये नहीं कह रहा नवाज शरीफ बड़ा क्लीन है, बट नवाज शरीफ का सपोर्ट बहुत है, हमें वो देखना है। वो आर्मी देखती है सपोर्ट किसका है, आवाम किसका, मुल्ला किसकी तरीके तरफ है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये जो सारा है तालिबान एलिमेंट का भी इसमें बोलबाला होगा। ये इतनी आसान चीज नहीं है कहने की कि इमरान निकल जाएगा, अगर निकल भी गया तो वो झटके में वो लटका ही रहेगा, बिल्कुल जिसको कहते हैं नॉन एक्टिव रहेगा। तो आर्मी सीखेगी फायदा किसमें है उसका, नवाज शरीफ में फायदा है या इमरान में फायदा है, क्योंकि आर्मी सत्ता नहीं छोड़ेगी, ये आप याद रखिए। सही कहा आपने सर, और देखिए यही वजह थी कि बिलावल भुट्टो ने जैसे ही कराची में रैली की और जैसे ही लगा कि नहीं अब जो है बहुत ज्यादा आगे हो रहा है, इसीलिए नवाज शरीफ ने खुद माफी चाहूंगी बाजवा ने फोन करके बिलावल भुट्टो से बात की और ये कहा कि देखिए आप आइए बातचीत करिए। पहली दफा ये हुआ कि बाजवा को फोन करने पर मजबूर होना पड़ा। अर्जू जी बिल्कुल नहीं, देखिए हमेशा से पाकिस्तान गवर्नमेंट में हमेशा से ये रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट बैक साइड पर होती है, बैकअप होता है एस्टैब्लिशमेंट का, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब के साथ सेम यही एस्टैब्लिशमेंट है उनके बैक पे, मगर अभी जो अपोजिशन है वो काफी स्ट्रांग जा रही है और अपोजिशन इस तरह की रैलीज कर रही है और अपोजिशन को भी आई एम क्वाइट श्योर कि कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा ऐसा है जो कि इनको भी बैकअप कर रहा है। अदरवाइज ये लोग इस तरह की रैलीज नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में, ये एक घंटा नहीं खड़े हो सकते किसी रोड पे अगर इनको बैकअप ना हो। लेकिन ये चीज फिर भी मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट जाती हुई नजर नहीं आ रही अभी। ठीक है बख्शी जी, आरजू जी कह रहे हैं कि सरकार जाती हुई नजर नहीं आ रही। सर आपका कुछ आकलन, कोई सवाल इनसे? देखिए मैं सिर्फ से ये बात कर रहा हूँ कि किस बूते पे इमरान खान बैठ सकेगा, क्योंकि जो ये तो ये पानी का बहाव की तरह है कि जो इंजीनियर है वो तरीके से पानी को मोड़ सकता है। एक क्वेश्चन ये है आर्मी जब तक आर्मी नहीं चाहेगी इमरान नहीं हटेगा, और जब आर्मी चाहेगी तो इमरान हटेगा। ये हम लोग अपने दिल पिशौरी नहीं कर सकते कि ये अब तो अगर सत्ता पलटेगी या नहीं पलटेगी, तो कोई नहीं कह सकता। आर्मी अपने फायदे को दिक्कत करेगी। और मैं ये भी बता दूं नवाज शरीफ की जो लोअर रैंक से है, नवाज शरीफ में लोअर आर्मी के लोअर रैंक में काफी उसने अपनी सेंध लगाई हुई है, तो और मुल्ला एलिमेंट को काफी कंट्रोल किया हुआ नवाज शरीफ ने, तो आप उनको भी देखिए फिर देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। वैसे बोलना करेक्ट नहीं होगा, टिप्पणी ठीक नहीं होगी। आरजू जी जवाब दीजिए। जी जी बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि अभी बोलना करेक्ट नहीं होगा, और बिल्कुल एक मुल्ला माफिया है हमारे यहाँ, उसका एक होल्ड होता है रिलीजियस पार्टीज का, वो है अपनी जगह और एग्जैक्टली एस्टैब्लिशमेंट का बैकअप है, और अभी इमरान खान साहब के पास है इसलिए वो बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने पहले कहा कि एक थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है एस्टैब्लिशमेंट का जो कि अपोजिशन पार्टीज को भी बैकअप कर रहा है, दैट्स व्हाई ये लोग इस तरह की रैली कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, मगर फिर भी गवर्नमेंट अभी नहीं जा रही कहीं भी। लेकिन एक चीज को यहाँ समझना होगा आरजू जी, आपको भी पिछले दिनों जिस तरीके से मरियम नवाज और नवाज शरीफ के परिवार को बंदूक की नोक पर रखकर दबाने की कोशिश, लेकिन दूसरी ओर बिलावल भुट्टो से बातचीत करने की कोशिश बाजवा की, तो क्या ये नजर आया कि नया पिट्ठू तलाश रहे हैं बाजवा? इमरान खान से उनका भी मन भर गया है और इसीलिए आने वाला दिन बहुत कठिन होगा इमरान खान के लिए। देखिए ये चीज तो जब ये रैली शुरू हुई थी उस वक्त ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे एज अ जर्नलिस्ट एज अ मीडिया पर्सन कि ये जो इनका ये जो अपोजिशन पार्टी थी ज्यादा दिन साथ नहीं चल सकती, क्योंकि ये पहले भी इनके साथ यही प्रॉब्लम रहा है कि आगे कौन आएगा और पीछे कौन रहेगा के चक्कर में ये लोग आपस में इनका इतना ज्यादा इनकी यूनिटी कभी भी शो नहीं हुई, और वही चीज अभी देखने में आई है कि बिलावल भुट्टो ने कुछ और बात की है और मरियम नवाज ने कुछ और बात की है, तो ये चीज तो बहुत नेचुरल है जो आगे जा रही है। तो यानी कि आप साफ तौर पर ये कबूल रहे हैं कि पीडीएम को तोड़ने की ही कोशिश की थी बाजवा ने? नहीं, पीडीएम को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी उन्होंने, लेकिन पीडीएम खुद ही आगे नहीं बढ़ पाएगी तो यही हुआ ना कि जब मौलाना के साथ 11 विपक्षी दल एक साथ हो गए, पीडीएम बना लिया, उसके बाद
ये डर सताया कि जब गृह युद्ध जैसे हालात हो गए, सेना और पुलिस की वर्दी आमने सामने हो गई, हालात यहां तक आ गए कि खुद सफदर की गिरफ्तारी की जांच के लिए आदेश देना पड़ा बाजवा को। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जितनी पार्टी साथ में है ये कभी भी साथ में आगे नहीं बढ़ पाई है। इनके साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है कि बॉस कौन होगा, तो इसलिए ये लोग जो है अभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कि मरियम नवाज चाहेंगी कि वो आगे रहें और बिलावल चाहेंगे कि वो आगे रहें, तो ऑब्वियसली, और मौलाना साहब को अलग अपना एक स्टेटस रखना है, तो इसलिए ये लोग कभी पहले भी आगे नहीं बढ़ पाए और अभी भी आर्टिफिशियल तरीके से आगे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल यूनिटी है इनकी जो कहीं भी आगे जाके टूट सकती है। बख्शी जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है इस बार, क्योंकि इस बार सीधा हमला इमरान के साथ साथ उन पर भी बोला गया है जिन्होंने इमरान को सलेक्ट किया गया था, सेलेक्टिव प्रधानमंत्री जिन्होंने बनाया था, आप समझ रहे होंगे सर मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप चाहे आर्मी की करें या ना करें, आर्मी को भी पता है, पर आर्मी 85% ऑफ पाकिस्तान की बिजनेस उनके एसोसिएशन से जाती है। वो आर्मी बैठी ही इसलिए है कि वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटेगा, और आर्मी और लोगों को भी पता है, मुल्लाओं को भी पता है, मुल्लाओं की ताकत आर्मी से आई है, याउलक उनको इसलिए तो उन्होंने ताकतवर बनाया था। और तभी देखिए पंजाब के बोलबाला है, इसलिए नवाज शरीफ को वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। भुट्टो को उन्होंने लटका दिया, भुट्टो सिंधी था, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, रॉयल ट्रीटमेंट देकर बाहर जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर आ जाएगा, ये होता रहेगा। आर्मी अपना काम चलाती रहेगी और आर्मी का काम चलता रहेगा, क्योंकि बाहर के फंड आ रहे हैं वो आर्मी करती है, आर्मी डील करती है, सारा पैसा तो उनके पास में पहुंच रहा है। उनको किस बात का दुख है और किस बात का दर्द है? देखिए ये आप जो है इंडियन स्टैंडर्ड से पाकिस्तान को जज मत करिए। पाकिस्तान का क्या जो जो फाइबर है वो दूसरा है, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको देखना होगा कि अगर आप इमरान का हटता है या नहीं हटता, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इस समय चाइना नहीं चाहता कि इस समय सीपीईसी के एरिया में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। बिल्कुल सही कहा सर आपने, चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, चाइना को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा और ना ही उसके फेवर में होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। बिल्कुल नहीं, वो होने नहीं देगा। पाकिस्तान सिर्फ आपको कॉस्मेटिक प्राइम मिनिस्टर मिलेगा जिसको आर्मी कंट्रोल कर पाएगी, जो है वो उसके बाद मामला चलता रहेगा। इमरान बहुत अच्छा था। ठीक है सर, मैं आ रही हूं। आरजू जी, क्या पाकिस्तान में पपेट प्रधानमंत्री की ही आवश्यकता है, या इस बार जो हालात बन रहे हैं, जो खुली चेतावनी दी जा रही है इमरान को कि काउंटडाउन शुरू है 15 अगस्त को, 15 नवंबर को देखिएगा क्या होगा, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है कि वाकई ये बाजवा की गुलामी की जंजीरें तोड़कर जिसकी जूती के नीचे लोकतंत्र को रंधा जा रहा है उसको हटाकर कुछ ऐसा भी होगा जो अलग होगा इससे? नहीं देखें, 15 नवंबर को ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, अभी इनकी 2-3 रैलीज और रहती हैं और ये दिसंबर तक ये प्रेशर बना के रखेंगे। दिसंबर तक ये इमरान खान साहब पे अपोजिशन पार्टी जो है प्रेशर बना के रखेंगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि क्या होता है, किस तरह से वो गवर्नमेंट इन लोगों को हैंडल करती है, क्योंकि इस वक्त रैली तो गवर्नमेंट भी कर रही है, अपोजिशन तो कर ही रही है, लेकिन ये लोग भी कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की सत्ता अभी मुझे कहीं भी जाती हुई नजर नहीं आ रही। कम अज कम दिसंबर तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ यही चीज चलती रही। ऐसा डर नहीं है, एक सेकंड सुनिए जरा मेरी बात को, अगर इमरान खान को ऐसा डर नहीं है तो आखिर क्यों विपक्षी रैलियों से डरे हुए हैं, क्यों वहां पर आतंकी हमले कराए जा रहे हैं, क्यों पेशावर में रैली करने से रोक दिया गया, क्यों एक बार फिर से कराची में वो तस्वीर हमने देखी जो फिर से याद दिलाती है कि बिलावल भुट्टो की माँ जब रैली करके लौट रही थी तब उनके साथ जो हुआ वही कराची में दोहराने की कोशिश की गई। देखिए ये सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करवा रही, अगर कहीं पे टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान के अंदर तो ये गवर्नमेंट नहीं करवा रही, ये और लोग भी होते हैं, थर्ड पार्टी भी होती है जो इस तरह से करने की कोशिश करती है। याद है पुलवामा आतंकी हमले को किस तरीके से संसद में कबूला था आपकी सरकार के मंत्री ने, तो कैसे न माना जाए कि वो हमला सरकार ने नहीं कराया, वो तो उसकी उपलब्धि इमरान खान को दे रहे थे। नहीं नहीं, ये हमला हरगिज गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, और ना ही वो जो मंत्री जी है वो ये कह रहे थे, वो कुछ और बात वो मिनिस्टर कर रहे थे। रोक रही हूं जी, माफी चाहते हो आपको रोक रही हूं, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है, बड़ी खबर, यूरोप के बाद 188 देश लगा सकते हैं उड़ानों पर प्रतिबंध, ये बड़ी खबर आप देखिए, पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगने के संकेत।
पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका लगने की खबर। ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर ऐसा हो जाता है तो। यूरोप के बाद अब 188 ऐसे देश हैं जो उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। पाकिस्तान के पायलटों के फर्जी लाइसेंस को लेकर ये बैन लग सकता है। आरजू जी, फर्जी पायलट के लाइसेंस कैसे सामने आए पाकिस्तान में ये हमने देखा। जैसे हिंदुस्तान में कोई टैक्सी ड्राइवर को लाइसेंस नहीं देगा, वैसे वहां पायलट को लाइसेंस मिल रहे थे। और अब इसका भुगतान आप देखिए, 188 देश है जो उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये स्कैंडल निकला था पाकिस्तान के पायलट का, और उसमें कोई 100% सारे पायलट ऐसे नहीं थे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट गई थी हमारे जो है पॉलिटिशियंस की तरफ से, और उसके बाद जो है ये चीज हुई थी। और आप गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर हमारी बिल्कुल पहले भी सुना था किस तरह की जो है फ्लाइट बंद हो रही है, तो वो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि वो उस पर क्या कर सकते हैं और किस तरीके से जो है अपने पायलट को उसमें से क्लियर करवा सकते हैं ताकि वो फ्लाइट चल सके। ये प्रॉब्लम तो है यहाँ पर। यही तो सोचने वाली बात है कि हर एक क्षेत्र में फेल हो गए हैं इमरान खान, हर एक क्षेत्र में फेल हो गए हैं। जनता को कर्ज में डुबो दिया है, आतंकियों को बिरयानी खिलाने में लगे हुए हैं, जनता भूखी मर रही है, कर्ज में डूब गया है देश, लेकिन फिर भी इमरान खान मानने को तैयार नहीं है।